ऑमलेट लें और आपने हर साइड को फ्राई करना है कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। एंड में आप बैंगन के ऊपर थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ेंगे। देखें बैंगन के ऊपर थोड़ी सी गोल्डन कलरिंग आनी शुरू हो गई। अब एक और मिनट फ्राई करने के बाद अब थोड़ा सा जीरा पैन में छिड़क दें। जीरा बहुत जल्दी पकता है तो आप 30 सेकंड के लिए बैंगन को इसमें फ्राई करें और फिर फ्राइंग पैन को आग से हटा दें। नेक्स्ट स्टेप, आपने दही प्रिपेयर करना है। आप 8 टेबलस्पून दही के एक बोल में निकाल लें। इसमें आप थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ देंगे और 50 मिलीलीटर पानी डाल दें। अब दही को आप अच्छी तरह मिक्स करें कि कोई गुठलियां ना हो और बिल्कुल स्मूथ हो। दही को बिल्कुल स्मूथ करके आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा। इसको आप फिर अच्छी तरह मिक्स करें। एक दफा दही मिक्स हो गया तो फिर आप बैंगन के स्लाइस इसमें डाल दें। फिर आप उनको थोड़ा सा सबमर्ज कर दें और थोड़ा सा ऊपर छोड़ें। नेक्स्ट स्टेप, बोल को साइड पे रखकर दो दाने लहसुन के बारीक स्लाइस कर लें। और फिर एक छोटे फ्राइंग पैन में 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के गरम करें। अब इस तेल में आप थोड़ा सा नमक डाल दें एक चुटकी और नमक डालने के बाद आप लहसुन को पैन में डाल दें। लहसुन को आप बिल्कुल गोल्डन करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा डालकर दही के ऊपर भगा डाल देंगे। चलें जी, लहसुन गोल्डन होना शुरू हो गई। इस पॉइंट पे आप आग से फ्राइंग पैन हटाकर एक चुटकी जीरा पैन में डाल दें और जैसे आपको जीरे की खुशबू आए आप चम्मच लेकर जीरा और लहसुन का भगार बैंगन के ऊपर रख दें। अब सर्विंग टाइम पे आप थोड़ा सा हरा धनिया काट कर थोड़ी सी हरी मिर्च काट के इसके ऊपर स्प्रिंकल करके सर्व करें, सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलें जी, दही बैंगन बन गए, अब हम बनाते हैं प्लम योगर्ट। अच्छा जी, प्लम योगर्ट बहुत ही आसान डिश है। आप आलू बुखारा लें, उसे स्लाइस कर लें, थोड़ा सा मैश भी कर दें, लेकिन स्किन ज़रूर रखें क्योंकि उसी से बहुत खूबसूरत रंग आता है इस डिश में। थोड़ा सा चॉप कर लें और फिर एक छोटे पतीले में आप 1 टेबलस्पून चीनी डालें। अगर आप चाहें तो चीनी ना डालें, प्लम्स को वैसे ही योगर्ट में डाल दें, वो बहुत मजेदार होगा। अब जैसे चीनी गर्म होना शुरू हो जाए आप प्लम्स को पैन में डाल दें। और इनको थोड़ा सा कैरमलाइज करें। आपने 2 मिनट के लिए प्लम्स को पकाना है कि वो अपना जूस थोड़ा सा छोड़ दें और फिर आग ऑफ कर दें और डायरेक्टली अपने पैन में आप 1/2 कप दही डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर
डेट्स प्लम योगर्ट को एक रैमकिन में या एक सर्विंग डिश में निकाल के फ्रिज में रखते हैं और इफ्तारी के टाइम पे ठंडा ठंडा सर्व करें। चलें जी, डिजर्ट भी बन गया है, अब प्लम फिज बनाते हैं। अच्छा जी, प्लम फिज के लिए आप आलू बुखारा कट करके ब्लेंडर में डाल दें, फिर इसमें सोडा डालें या कोई मीठी फिजी ड्रिंक, लेकिन क्लियर फिजी ड्रिंक होनी जरूरी है। फिर इसको ब्लेंड करें। देखिए कितना खूबसूरत रंग आया है और हमारी ड्रिंक तैयार है, सारा खाना तैयार है और अब है टाइम प्लेट आपका। देखें जी, इफ्तारी मेन्यू रेडी। ये पोटैटो कटलेट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, इसके साथ ये जो मोर्टादेला था ये काफ़ी क्रंची हो गया, इसको मैंने साइड पे सर्व किया। अगर आप चाहें तो मोर्टादेला हटा भी सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा जल जाए तो फिर इसको थोड़ा सा कट करके थोड़े से सलाद में मिक्स कर दें, बहुत ही मज़ेदार होगा। दही बैंगन में मैंने ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया है, आप चाहें तो मुख्तलिफ चीज़ें भी मिला सकते हैं। इनको थोड़ी सी इमली की चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार रहेंगे। इमली की चटनी घर में बनानी इतनी आसान है, इमली का पानी निकालें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करें, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और इमली की चटनी तैयार। यह है मेरा आज का टिप। डिज़र्ट में हमारा प्लम योगर्ट कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्रीम डाली है और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क। अगर आप चाहें तो इसमें से चीनी बिल्कुल हटा सकते हैं और ये उन लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ कंसर्न्स हो। और आखिर में हमारा प्लम फिज, प्लम के पीसेस जो ऊपर आ गए, जब आप क्रश्ड आइस इसमें डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार होगा। इसमें थोड़ा सा नींबू जूस स्क्वीज कर दें, ये बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और इफ्तारी टाइम के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा जी, ये हुआ हमारा आज का मेन्यू। उस सवाल का जवाब ज़रूर भेजें और गिफ्ट हैम्पर जीतने की कोशिश करें। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।